श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रोज़ सिरप और उसका शरबत। रोज़ सिरप को गुलाब की पंखड़ियों से बनाया है और ये एकदम ओरिजिनल है और इसे पीने में बहुत ही फ़ायदे रहते हैं। इससे मुंह में छाले है, एसिडिटी है, इससे हमें राहत मिलती है। इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें रोज़ पेटल लेनी है। मैंने 2 कप रोज़ पेटल ली है। इसे फूल में से अलग करनी है और साफ़ करनी है। रोज़ पेटल को साफ़ करने के बाद इसे हमें पानी से धोना है। तो इसमें पानी डाल के हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। अब हमें रोज़ को अच्छे से निकाल लेना है। ऊपर से निकालेंगे ताकि कचरा सब नीचे बैठ जाएगा। और इसमें मैंने जो रोज़ यूज़ किया है वो चैत्री गुलाब का रोज़ है। वो स्पेशली हमें समर सीज़न में ही मिलता है और इसकी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। अब हम सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 लीटर पानी लेना है। अब इसमें हम साफ़ की हुई गुलाब की पंखड़ियाँ थी वो हम डालेंगे। अगर आपको चैत्री गुलाब ना मिले तो आप रानी कलर का गुलाब जो आता है वो भी आप डाल सकते हैं। उसकी भी पंखड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है। अब इसमें शुगर डालेंगे। आप शुगर की जगह पे मिश्री भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 4 कप शुगर डाली है। अब इसे हम गैस के ऊपर रखेंगे और गैस की फ्लेम हम फास्ट रखेंगे और जब तक इसमें जो शुगर डाला है वो मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें हिलाते रहना है, वरना जो शुगर है नीचे से बैठ जाएगी। और ये सिरप को हमें हिलाते हुए नॉनस्टॉप इसे उबालते रहना है। गैस की फ्लेम को हमें फास्ट रखना है। जैसे जैसे ये सिरप गर्म होने लगेगा रोज़ पेटल इसके साथ मेल्ट होने लगेगी, मर्ज होने लगेगी और रोज़ पेटल में जो भी उसका रस है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब पानी में आ जाएगी। और ये देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम को हमें फास्ट ही रखना है और इसे हमें उबालते रहना है जब तक कि आधा ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सिरप की क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। हमने 2 लीटर पानी डाला था, हमें 2 में से 1 लीटर पानी हो जाए तब तक इसे हमें उबालना है। तो हम इसे फास्ट गैस पे उबालते रहेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। रोज़ का सिरप उबल के आधा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हमें 6 to 7 आवर्स के लिए इसे हमें ढक के रखना है ताकि इसमें रोज़ की जितनी भी फ्लेवर्स है वो सब इसमें आ जाए और हमारा सिरप एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, 6 to 7 आवर्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारा सिरप एकदम परफेक्ट बन गया है और इसकी चाशनी भी देखिए एकदम गाढ़ी बन गई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट रोज़ का सिरप तैयार हुआ है। अब इसे हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे और गुलाब में जितनी भी इसका कस है, जितनी भी चाशनी है वो सब अच्छे से निकाल लेंगे। स्ट्रेन की हुई पकड़ियों में से हमें थोड़ी सी पकड़ी लेनी है और इसे हमें सिरप में मिक्स करनी है। इससे सिरप का लुक एकदम ओरिजिनल आता है और टेस्ट भी ओरिजिनल आती है। तो जब भी हम शरबत पीते हैं तो इसमें जो रोज़ की पेटल आती है वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे। आप चाहे तो आप डाबर गुलबारी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, इसे हम गुलाब जल भी बोलते हैं। तो इसे हमें 1 कप डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें रोज़ एसेंस डाल सकते हैं। मैंने इसमें रोज़ एसेंस 1 टीस्पून डाला है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें। इसमें हमने जो गुलाब जल डाला है उससे भी टेस्ट अच्छा ही आ जाता है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही डालें। अब इसमें हम रोज़ पिंक कलर डालेंगे। फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको कलर चाहिए तभी डालें। अगर आपको मेडिसिन के तरीके से लेना है तो आप इसमें कलर ना डालें। रोज़ इसमें पानी या दूध डाल के आप पी सकते हैं। रोज़ पिंक अब आपके हिसाब से कम ज़्यादा डालें। फ्रेंड्स, हमारा सिरप तैयार हो गया है और ये रोज़ सिरप मार्केट में बनने वाले रोज़ सिरप से बहुत ही अच्छा है और टेस्ट भी ओरिजिनल है। अब हम इसका शरबत बनाएंगे। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 पार्ट हमें सिरप का लेना है। रोज़ सिरप हम 1 पार्ट लेंगे और बाकी का 3 पार्ट हमें वाटर और आइस मिला के लेना है। तो
तो हम सबसे पहले इसमें आइस डालेंगे। आइस आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और आइस डालने के बाद इसमें हम वाटर डालेंगे। ये शरबत दिखने में जितना अच्छा लगता है, टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा। इसे हम अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से इसे गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में भी इतना ही अट्रैक्टिव लगे। आप इसे एप्पल की स्लाइस से सर्व कर सकते हैं। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन एकदम सेम है तो अच्छा लगता है। साथ में हम इसमें मिंट लीव्स रखेंगे, इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, हमारा रोज़ का शरबत तैयार हो गया है। इसे एकदम ठंडा सर्व करें। ये शरबत का टेस्ट मार्केट में बनने वाले शरबत से बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसमें प्रिजर्वेटिव डालना है तो आप इसे सोडियम बेंजोएट 1/4 टीस्पून जब आप कंटेनर में डाल रहे हो तभी इसमें मिक्स करके डालें। इससे ये 1 ईयर तक अच्छा रहता है। सिरप को आप 2 मंथ के लिए रेफ्रिजरेटर में और 1 ईयर के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में ये सिरप पीने से बॉडी में ठंडक हो जाती है। रोज़ के सिरप में आप मिल्क, वाटर या आइसक्रीम कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। सिरप का यूज़ आप मिल्कशेक में, फालूदा में, स्वीट्स या डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। समर कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक रोज़ का शरबत आप ज़रूर बनाइए। रोज़ सिरप और शरबत आप बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।